पन्ना में रहने वाले 11 साल के बच्चे को जहरीले बिच्छू ने काट लिया था। आनन फानन में उसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। जब उसकी हालत नहीं सुधरी तो उसे जबलपुर निजी अस्पताल में लाया गया, जहां अथक मेहनत के बाद डॉक्टरों की टीम ने बच्चे को मौत के मुंह से खींच ले आए। डॉक्टर के प्रयास से मौत के मुंह में गया 11 साल का बच्चा कुछ ही दिनों में ना सिर्फ स्वस्थ हो गया बल्कि अब अपने परिवार के साथ रह रहा है। बच्चे का दिल काम करना कर दिया था बंद। 11 साल के बच्चे को जब इलाज के लिए जबलपुर में निजी अस्पताल में लाया गया था, उस दौरान उसका हार्ट महज 5 में 10% ही काम कर रहा था। बच्चे का ब्लड प्रेशर भी पूरी तरह से जीरो हो गया था। ऐसे में डॉक्टर के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई थी, आखिरकार कैसे बच्चे को जान बचाई जाए, और वह भी उस समय जबकि लगातार 11 साल के बच्चे के शरीर में जहर फैल रहा था। शरीर में लगातार फैल रहे जहर चलते बच्चे को वेंटिलेटर में लाया गया और फिर प्रयास किया गया कि आखिरकार कैसे बच्चे को जान बचाई जाए। मेडिसिन एवं क्रिटिकल विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह राजपूत, कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुधीर चौधरी, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप तिवारी एवं एनेस्थेसिया डॉक्टर सुनील जैन ने मिलकर बच्चे को तुरंत ही सीधे हृदय और फेफड़े से कैनुला डालकर एक्मो मशीन में सपोर्ट पर लिया। बच्चे के शरीर में लगातार जहर फैल रहा था, लिहाजा एक्मो मशीन के माध्यम से लगातार उसके हार्ट और किडनी के माध्यम से जीवित रखा जा रहा था। जहर फैलने के कारण बच्चे के हार्ट और किडनी में भी प्रभावित हो रही थी। ऐसे में बच्चे की हालत कहीं बिगड़ ना जाए, इसके लिए डॉक्टर की टीम ने 5 से 6 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया। डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत और उनकी टीम ने आखिरकार बच्चे को शरीर में लगातार फैल रहे जहर के लिए ऑपरेशन किया। बच्चे को हार्ट और फेफड़ों को बाहर से एक्मो मशीन के माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा था। बच्चे का हार्ट और फेफड़ों को देखने के लिए डॉक्टर की टीम ने 5 दिनों तक उसके सीने से खोल कर भी रखा था। 5 दिन के भीतर बच्चे का हार्ट 40 से 50% तक करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा बच्चे की हालत भी लगातार ठीक हो रही थी। ऑपरेशन के 5वें दिन डॉक्टर की टीम ने 11 साल के बच्चे के शरीर के एक्मो मशीन में अलग कर दिया, उसके साथ ही उसके वेंटिलेटर से भी बाहर ले आए। बच्चे के परिजन जब पूरी तरह से हार मान चुके थे, पर डॉक्टर की टीम लगातार मेहनत किया और आखिरकार 11 साल बच्चे को मौत के मुंह से खींच लाए। बच्चा जब पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसे कुछ दिन के लिए डॉक्टर ने अपनी निगरानी में रखा और फिर से परिजनों के साथ घर भेज दिया। बच्चे की हालत ऐसी थी कि उसका ब्लड प्रेशर नॉट रिकॉर्डेबल था और सांस ठीक से नहीं ले पा रहा था, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर नॉट रिकॉर्डेबल होता है और हार्ट की पंपिंग पुअर होती है तो बैक प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। वेंटिलेटर पे लेने के बावजूद भी वो बच्चा सेटल नहीं हो रहा था और ना ही उसका ऑक्सीजन आ रहा था और ना ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। तो फिर हमारी टीम ने डिसाइड किया कि अब एकमात्र चारा बचता है कि इतने छोटे बच्चे की जिंदगी के लिए एक्मो इस बच्चे को लगाया जाए।